रोलिक सो सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दे दे, क्या है आपका प्रोजेक्ट, उसके बारे में जरा बताएं सबसे पहले आप. माय नेम इज़ शिवांगी भयाना एंड बेसिकली जो हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं वो एक म्यूज़िक वीडियो है जो कि लॉन्च होने वाली है बहुत ही जल्दी. इस म्यूज़िक वीडियो की स्पेशलिटी ये है कि ये म्यूज़िक वीडियो डायरेक्ट की है पॉल सेंट थॉमस ने एंड ये पूरा का पूरा जो प्रोजेक्ट है डेडिकेटेड है रेमो डिसूज़ा के लिए. जी मेरा नाम है अंजनांकुर सिंह और मैं इस प्रोजेक्ट बहुत स्पेशल प्रोजेक्ट है यार एंड आई होप कि 2018 के वन ऑफ द बिगेस्ट सिंगल बने. और इसमें सबसे अच्छी बात है कि बहुत नई चीज़ है अभी तक इंडिया में, मेरे ख्याल से बहुत रेयर लोगों ने रिप्रेजेंट किया है फ्यूचर बेस बेसिकली इंटरनेशनल बेस म्यूज़िक. तो हमने बहुत ही इसको कॉम्प्लीमेंट किया है, बहुत अच्छा म्यूज़िक प्रोड्यूसर हमारे बहुत करीबी साथी हैं सिद्धांत मिश्रा जो बॉम्बे से बट वो न्यूयॉर्क के लेबल से साइंड है, तो वो बेसिकली न्यूयॉर्क के लिए काम करते हैं. तो उनके साथ हमने फीचर करके कोलैबोरेट करके बहुत अच्छा प्रोजेक्ट किया. फिर हमने शिवांगी को भी इसमें आई एम ब्लेस्ड दैट कि शी इज़ अ पार्ट ऑफ आर प्रोजेक्ट एंड शी इज़ ऑल्सो वेरी अमेजिंग सिंगर, बहुत अच्छी नोन भी है, नोन सिंगर है, वन ऑफ द बेस्ट सिंगर्स ऑफ आर इंडिया. और बस ये कि पॉलसन भाई ने बहुत खूबसूरत सा वीडियो डेडिकेट किया है एंड आफ्टर लॉन्ग टाइम एक बहुत ही कमाल एंड पॉलसन भाई का एक तरह से बैक है, पॉलसन थॉमस विल बी बैक विद दिस वीडियो एन अमेजिंग वीडियो. सो ये वीडियो किस तरह खास है, किस तरह स्पेशल है, उसके बारे में. इसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर आप देखोगे बींग एन डांसर अभी तक DID में कोई भी आप देख लो, आप मैं नाम नहीं लूँगा बट किसी को भी आप देख लो जितने भी DID से फ्रॉम द सीजन वन से लेके अभी तक सब ने कोरियोग्राफी किया, सब ने किया बट किसी ने डायरेक्ट नहीं किया है जो खूबसूरती तरीके से. और अब रेमो सर का क्या है कि वो रेमो सर के जो भी शिष्य हैं शागिर्द हैं जो भी है बट जो रेमो सर को फॉलो करते हुए चीज़ है और एक बहुत ही खूबसूरत वे में इतने यंग, एक तो सब एक बहुत यंग है वो और इतने यंग हो कि उन्होंने बहुत अनएक्सपेक्टेड वीडियो बना दिया कि मतलब आप देखोगे जब वीडियो तो आपको खुद लगेगा कि इतने ज़्यादा वर्सेटैलिटी है वीडियो में और इतने ज़्यादा मतलब कहते हैं ना बहुत कॉम्प्लिसिटी है, मज़ा आएगा, मतलब बहुत क्रिएटिविटी के तरीके से वीडियो शूट हुआ है. बहुत खूबसूरत, मेरा तो 5 साल पहले का रिश्ता है, 5 से 6 साल पहले मैं छोटा था तो मैं कानपुर में रहता था तो उनके लिए मैंने सबसे पहला बैकग्राउंड स्कोर किया था लाइव पहला किया था तो वहाँ से रिश्ता बनाया. तो अब सोचिए ना कि 6 साल पहले और 6 साल बाद उनके साथ काम करने का मिला है, जबकि रिश्ता रहता है बट आफ्टर लॉन्ग टाइम इनकी पहली टीम बनी. तो ये रब का शुक्र है कि उनको रब ने उन्हें जरिया बनाया हम तक पहुँचने के लिए. बहुत खूबसूरत सा वीडियो है, आई एम रियली ब्लेस्ड एंड वी ऑल आर ब्लेस्ड दैट कि हमने इतना प्यारा वीडियो किया. अब बहुत नया है ये. मेरा रिलेशन एक्चुअली काफ़ी नया है उनके साथ. मैं उनको आई थिंक अराउंड इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर ही हमने ये शुरू किया था प्रोजेक्ट, जब अंकुर ने ये प्रोजेक्ट मेरे पास लेके आया, मुझे बताया कि ऐसा ऐसा गाना है और उस टाइम पे मैं मिली थी उनके साथ. तो उस टाइम पे तो हम एक बहुत बेसिक स्ट्रक्चर बना रहे थे, पहले सॉन्ग के ऊपर काम किया गया, लिरिक्स के ऊपर काम किया गया, फिर उसके बाद प्रोडक्शन, then finally we went on board and we went to the recording studio, humne record kiya gana. So that's when the entire introduction happened, that's when I had built a rapport with him and it's been a wonderful experience. Mujhe bahut zyada maza aaya. And mera first time hai Ankur ke saath kaam karte hue, so it's like matlab ek bahut hi achhi knit family ban gayi, hum sab ki achhi understanding ho gayi, so it was a lot of fun. एक तरह से मुश्किल नहीं था क्योंकि आप जब किसी से मोहब्बत करते हो, जब उसके लिए आप कोई काम करते हो तो आपको और मज़ा आता है काम करके. हाँ थोड़ा सा रहता है कि यार उनको पसंद आएगा कि नहीं, बट एक सबसे खुशी रहती है कि मैं जिससे मोहब्बत कर रहा हूँ उसके लिए कर रहा हूँ. तो मेरे ख्याल से रेमो सर के लिए भी सबसे अच्छी बात है कि उनका कोई तो ऐसा बंदा है, कोई तो ऐसा शागिर्द है जिसने उनको ऐसा डेडिकेट किया और बहुत स्पेशल वीडियो. मेरे ख्याल से आज के टाइम पर ऐसा कोई नहीं करता बिकॉज एवरीवन इज़ डिपेंडेंट वो किसी ने, बट वो इंसान ऐसा है कि उसने खुद अपनी टीम बनाई, उस खुद मेहनत की और मैं समझ सकता हूँ कि कितना ज़्यादा वो फक्ड अप हो गए थे चीज़ों के साथ, बट एट द एंड कहते हैं ना रब सब अच्छा कर देता आखिरी में, वही चीज़ है. एंड दूसरा ये भी होता है कि जब भी कोई नेक्स्ट स्टेप लेता है ना इंडस्ट्री में स्पेशली, मतलब आप वैसे भी देखें तो वो जो उनके साथ पहले से जुड़े हुए लोग होते हैं उनको भूल जाते हैं. यहाँ पे वो किसी को भूले नहीं, उन्होंने अपना प्रोजेक्ट ही पहला प्रोजेक्ट जो है अपने गुरु के लिए बनाया. तो बहुत कम लोग होते हैं जो ऐसा करते हैं कि अपना पहला प्रोजेक्ट वो भी किसी को डेडिकेट करते हैं, उनके लिए बनाते हैं, इतना एफर्ट करके उनके लिए बनाया. आई थिंक दैट इन इटसेल्फ इज़ अ बिग थिंग टू से बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे जब आप कोई दिल से चीज़ करते हो वो भी किसी और के लिए, आई थिंक एनी वेज दैट थिंग इज गोइंग टू बी अप्रिशिएटेड, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट. इंस्पिरेशन तो आप क्या बोलेंगे, सबसे बड़ी चीज़ है कि एक तो बहुत छोटे शहर से, मेरे को बताया था भैया ने कि वो लाइक कहते ना बिल्ला थे, बहुत शॉर्ट थे, मतलब वो गुंडा टाइप होते ना,
उस जर्नी से निकलना इन एन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, मतलब इस कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में आना और उस चीज़ को जस्टिस देना, हर चीज़ें यहाँ पे उन्होंने सीखा, उनको हिंदी तक नहीं आती थी, बट नाउ डेज ही कैन फ्लुएंटली स्पीक इंग्लिश एंड हिंदी एज वेल, बहुत अच्छे से एक कॉन्फिडेंस है और हर चीज़ों को उन्होंने, यार आप सबसे अच्छी बात है ना, आप एक छोटे शहर से कैसे कॉन्फिडेंस बिल्डअप करते, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ, कि आप कैसे एक छोटे से चीज़ से निकल के आप उस चीज़ को जस्टिस दे रहे हैं। आई एम रियली हैप्पी कि आज के वक्त में भी, आज के दौर में भी उन्होंने ये सब चीज़ें बनाई, जो भी चीज़ें बनाई, बहुत बड़ी बात है। मैं रब का सबसे बड़ा शुक्र अदा करता हूँ उनका। और वो जैसे कैप्टन थे शिप के, क्योंकि अगर आप सोचें तो मुझे तो खैर यही लगता है कि डायरेक्टर जो होता है उसके ऊपर सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। लाइक अगर कोई प्रोजेक्ट आगे जाता भी है तो आगे जाके वो प्रोजेक्ट में शायद सिंगर्स को या जो स्क्रीन पे आते हैं लोग उनको मिलता है ऑल दैट अक्लेम दे गेट, बट जब कोई प्रोजेक्ट नहीं वर्क करता तो ऑल ऑफ अ सडन इट्स ओनली ब्लेम्ड ऑन द डायरेक्टर। तो ही इज़ द कैप्टन ऑफ द शिप एज, एंड उन्होंने मतलब लाइक ही सेइंग ही केम फ्रॉम सच अ स्मॉल प्लेस, बट फिर भी उन्होंने मेहनत करके इतना आगे आए, एंड ही वेंट एंड ही टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ही वॉज अ लीडर एंड ही इज़ रियली शोन। एग्जैक्टली, वही चीज़ है कि मतलब बहुत अच्छी बात इन्होंने बोली कि डायरेक्टर क्या है कि वो आपको पुश तो कर देता है, वो हर एक एक चीज़ में इन्वॉल्व रहता है। आप तो चलो, हम सिंगर्स आर्टिस्ट की हम तो हर चीज़ कर लेंगे, बट एक डायरेक्टर को चीज़ें बनाने में एक घर जैसी चीज़ें होती है बनाना, कोई भी प्रोजेक्ट हो, भले गाना हो या फिल्म हो, एक घर जैसा बनाना होता है। फ़र्क इतना है कि हम रूम है और वो घर बना रहे हैं, तो वही चीज़ हमें तो कहीं भी मिल जाएगा, बट वो एक डायरेक्टर की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इसलिए हम उनको सल्यूट करते हैं कि ना वेरी यंग एज उन्होंने जितने भी DID कंटेस्टेंट हैं इवन, एंड मैं प्रे करता हूँ कि आने वाले टाइम की ही बिकम वन ऑफ द बेस्ट डायरेक्टर्स ऑफ आर इंडिया। सोचा तो बहुत बचपन से ही था, कहते हैं ना जब बिलीफ रहता आपको, मैं बहुत छोटे से घर पे रहता था, बट कहते हैं ना कि लोग बोलते थे, इट्स अ पार्ट ऑफ माई लाइफ, कि लोग मुझे बोलते थे आई यूज्ड टू स्टे एट 700 बक्स रूम पर मंथ, तो लोग बोलते थे अभी इसके बाद आई डोंट से, क्योंकि मैंने मेरा पिछले साल डेब्यू है सुजीत सरकार के बैनर से फिल्म में, तो एक बहुत अच्छा मेरे को प्लेटफॉर्म मिला जहाँ पे मैंने बड़े म्यूजिक डायरेक्टर के साथ एक नया एक जगह मुझे मिली। तो लोग ये बिलीव नहीं करते थे कि इसके पास पैसे तो है नहीं मैक खरीदने के लिए, वो खरीदने के लिए, कहाँ से फिल्म करेगा। तो मैं बोलता नहीं था, उनको ये नहीं पता कि जो ख्वाहिश होती है ना, ख्वाहिश किसी का मोहताज नहीं होता, वो सिर्फ अपने रब का मोहताज होता है। तो आप अपने रब से जुड़े हो ना, तो कहीं भी किसी भी हालत में आप देखो ना, आजकल तो स्लम्स के ऊपर फिल्म बन रही गली बॉय, तो ये हमारी ये कुछ, ये आप बस ख्वाहिश रखो, जस्ट कहते ना पॉजिटिव बिलीफ रखो, इंशाल्लाह जरूर होगा, ये मैं मानता। एज अ सिंगर आप दोनों को कौन इंस्पायर करता है, क्योंकि बॉलीवुड में बहुत अच्छे-अच्छे सिंगर्स हैं, हाँ, अजीत है, अंकित तिवारी है, हाँ, तो एज अ सिंगर आप दोनों को कौन इंस्पायर करता है, आप बताइए। मैं सबसे इंस्पिरेशन लेती हूँ, क्योंकि मैंने कभी ऐसे कोई एक स्पेसिफिक सिंगर को चूज़ नहीं किया है, ना ही उनको रोल मॉडल बनाया, ना उनको फॉलो इतना, मतलब जस्ट उनको ही फॉलो किया, ऐसा कभी नहीं किया मैंने। तो आई थिंक ऑल ऑफ देम आर इंस्पायरिंग टू मी बिकॉज ऑल ऑफ देम हैव देयर ओन पर्सनालिटी एंड, बट नाउडेज तो ऑब्वियसली आई थिंक अरिजीत काफ़ी इंस्पिरेशनल है, नेहा कक्कर भी काफ़ी इंस्पिरेशनल है, तो इट्स नाइस टू सी कि हमारे जो फेलो लोग हैं वो इतना अच्छा कर रहे हैं। से मेरा भी इनका ही जो इन्होंने बोला कि मेरे को कैसा है कि जिसकी भी आवाज़ अच्छी लगे, अगर मेरे कानों को अच्छा लगा दैट इज़ अ म्यूज़िक, तो मैं ये बिलीव करता हूँ। हाँ, हालांकि मैंने अपनी माँ से सुना है, बचपन में माँ को ही सुनता था मैं, मेरी माँ बहुत खूबसूरत सिंगर है, तो उनको सीखते सीखते फिर ये है कि हाँ, मन्ना डे जी को मैंने बहुत ज़्यादा बचपन से कवर किया है, मतलब मन्ना डे जी बहुत बड़े क्लासिकल लेजेंड है, वो उनको बहुत फॉलो किया। फिर अभी हालांकि दिन में मैं सज्जाद अली साहब को बहुत दिल से मतलब कनेक्ट हो गया मैं, बिकॉज एक अलग सी आवाज़ है उनकी, तो लगता है क्योंकि सिंगर्स बहुत हैं, बट एक जो आपको एक अलग जोन में जोड़े ना, दैट इज़ वेरी, वो बहुत अलग सिंगर है जो कि इस मार्केट में आपको नहीं मिलेगा बॉलीवुड सीन में। मैं यही बिलीव करता हूँ, है तो बहुत प्लेटफॉर्म्स, तरह तरह की चीज़ें, वही चीज़ है ना कि आप क्या सोचते हो, यू हैव टू बी चूजेबल, है तो बहुत प्लेटफॉर्म्स तरह तरह की, अब वही बात है ना कि 5 साल मैं भी रहा, मेरे को भी 5 साल हो गए, शिवांगी को भी काफ़ी वक्त हो गया होगा, बट ऐसा थोड़ी ना कि मतलब इन्होंने भी चूज़ किया होगा ना चीज़ें, हालांकि हमें हमारे पास बहुत ऑफर्स आते हैं तरह तरह के, बट जब तक हम नहीं चूज़ करेंगे तो असली सिनेमा के वर्ल्ड में नहीं घुस पाएंगे। अच्छी चीज़ को ना आपको वक्त देना पड़ता है, आपको थोड़ा वक्त देना पड़ता है, सोचना पड़ता है कि क्या क्या नहीं है, सैक्रिफाइस करना पड़ता है, दो रोटी कम खानी पड़ेगी, बट ये कि जब मिलेगा तो फिर एक उसके ज़रिए आपको फिर बड़ा लॉबी मिलेगा, वरना काम तो बहुत है।